सो हेलो एवरीवन, होप आप सब घर पर अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है tutor.com। यह आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। आज हमने पढ़ना है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैन्योर इज खाद एंड फर्टिलाइजर्स है जो हम यूज करते हैं क्रॉप्स के अंदर टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप। ठीक है, तो हम इसके बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। यस, तो मैन्योर द डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मैटर इन द सॉइल इज मेड अप बाय एडिंग मेनी मोर एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल। जो डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट न्यूट्रिएंट को देने में, देखो दूसरी, जैसे कि हम बात करते हैं कि बाय चांस सॉइल थोड़ी इनफर्टाइल हो जाती है, थोड़ी सी मतलब कि उसमें थोड़ी सी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इसलिए डालते हैं ताकि जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को मिलते रहे। ठीक है, प्लांट के जो न्यूट्रिएंट है उसको मिलते रहे। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड मैटर इन द सॉइल मेड अप बाय एडिंग मेनी मोर एंड फर्टिलाइजर इन द सॉइल, कि जो डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में प्लांट्स की या प्लांट न्यूट्रिएंट मैटर की, उससे हम किससे दूर करते हैं, फर्टिलाइजर से। बोथ आर मेजर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स सो दे यूज एज अ क्रॉप प्रोडक्शन, कि जो दोनों है कौन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो एक मेजर सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि ये जो है यूज करे जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फर्टिलिटी एंड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। ठीक है जी, यहाँ तक बात में समझ आई। ग्रीन मैन्योर, अब हम मैन्योर के भी पार्ट्स हैं तीन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ग्रीन मैन्योर। ठीक है जी, ग्रीन मैन्योर मेड फ्रॉम द डीकम्पोजिंग ग्रीन क्रॉप सच एज सन हम और ग्वार। ग्रीन मैन्योर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल एंड कैन हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड सप्रेस वीड्स। कि जो है ग्रीन मैन्योर किससे होती है, ग्रीन क्रॉप से, जो ग्रीन क्रॉप जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर क्या करती है, इंक्रीज करती है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करती है और हेल्प करती है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज कि रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल किससे प्रिवेंट होता है, ग्रीन मैन्योर से, और सप्रेस करती है वीड्स को, मतलब वीड्स को भी जो है कम क्या कहते हैं उगने देती है। ठीक है, समझ में आ गया ग्रीन मैन्योर यहाँ तक। उसके बाद है सेकंड आपका कंपोस्ट। वन सेकंड, हाँ जी ठीक है। सो ग्रीन मैन्योर समझ में आ गया यहाँ पे सबको। उसके बाद है सेकंड कंपोस्ट। अ मिक्सचर ऑफ डीकंपोज्ड ऑर्गेनिक मैटर सच एज गार्बेज सीवेज एंड वेजिटेबल्स वेस्ट इज कम्पोस्ट। कैसे कम्पोस्ट का कहते हैं, कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट, जैसे गार्बेज सीवेज का या वेजिटेबल वेस्ट या जो हम फेंक देते हैं बाहर, तो उससे क्या बनता है, कम्पोस्ट बनती है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर सच एज गार्बेज सीवेज एंड वेजिटेबल वेस्ट आर कम्पोस्ट। लास्ट इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स वेस्ट यूजिंग वर्म्स। अब कंपोस्ट अलग है वर्मी कंपोस्ट जो है, कंपोस्ट जो है कि गार्बेज और सीवेज वेजिटेबल वेस्ट का मिक्सचर हो रहा है, बट जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें हम किसका किसकी हेल्प ले रहे हैं, वर्म्स की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेड फ्रॉम डीकम्पोजिंग वेजिटेबल्स और एनिमल्स, जो डीकम्पोज्ड जो मतलब डीकम्पोज्ड वेजिटेबल्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उसके वेस्ट से बाय यूजिंग वर्म्स, हम वर्म्स का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सच एज रेड विड्रल्स, व्हाइट वर्म्स और अर्थ वर्म्स, इन तीन जो वर्म्स है उनका यूज जो है ज्यादा होता है वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, एक बार देखिए इसको। हाँ जी चलिए, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं इरिगेशन। हमने ऊपर पढ़ा था कि दो उसके हैं यहाँ पे, जो आप कह सकते हैं क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि कौन से वेज हैं, ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो हमने मैन्योर फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन इज सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स, कि हम पानी दे रहे हैं क्रॉप्स को, उसको कहते हैं हम इरिगेशन। डिफरेंट टाइप्स से होती है,
ट्यूबवेल्स पे थ्रू, ठीक है, नेचुरल रेन के थ्रू जो है हम इरिगेशन कर सकते हैं क्रॉप्स की, ठीक है, वैसे ट्यूबवेल्स के थ्रू ही होती है. तो इरिगेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ कैनाल विद रिजर्वर्स ट्यूबवेल एक्सेट्रा नोन एज इरिगेशन. की ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सप्लाई करते हैं वाटर टू क्रॉप टू प्लांट्स by means of canal with reservoirs, tubewell, etc. is known as irrigation. ठीक है, ट्यूबवेल्स की मदद से जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को, उनको कहते हैं इरीगेशन. इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट एंड द नेचर ऑफ द सॉइल ऑफ द क्रॉप. ये किस पे डिपेंड करता है? कि नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट कैसा है, कैसा नेचर है उसका, ठीक है, और नेचर ऑफ द सॉइल ऑफ द क्रॉप फील्ड, मतलब कि डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में होता है, कुछ डिफरेंट सॉइल में होते हैं, तो क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, क्रॉप की सॉइल पे भी डिपेंड करता है वो, ठीक है, इरिगेशन का, कि जो कितनी सॉइल होती है जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है. कोई सी क्रॉप होती है जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, कोई प्लांट होता है जिसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, जैसे कि राइस, ठीक है, और कोई ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कम चाहिए होता है, ठीक है. तो उस ये किससे डिपेंड करता है कि मतलब कैसे उसको इरिगेशन हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, कि जिसको कम चाहिए उसको कम प्रोवाइड करेंगे, उसको ज्यादा चाहिए उसको हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी. इरिगेशन यहाँ पे पढ़ लीजिए आप एक बार. यस, उसके बाद है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग किस पैटर्न से की जाती है, तो पढ़ते हैं. द मॉडल्स ऑफ रेजिंग क्रॉप्स विच हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द क्रॉप फेलियर. की रेजिंग ऑफ क्रॉप व्हाइल ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम बेनिफिट, कि ऐसे क्रॉप को ग्रो करना उसके मैक्सिमम बेनिफिट मिले ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. कि मतलब एक लैंड पे डिफरेंट टाइप से जो है फार्मिंग कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी अच्छी हो रही है और हमें बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है. रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर डिजीज एंड इन्फेस्टेशन. कि मतलब कि रिस्क इसका रिड्यूस करना क्रॉप फेलियर का, या तो क्रॉप खराब ना हो जाए या फिर उसमें क्रॉप में कोई डिजीज ना हो जाए, आर कॉल्ड क्रॉपिंग पैटर्न. ठीक है, थ्री कॉमन टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न आर मिक्सड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. की थ्री डिफरेंट टाइप्स की जो है हमारे पास क्रॉपिंग है, जो कि फर्स्ट है मिक्सड क्रॉपिंग, सेकेंड है इंटरक्रॉपिंग एंड थर्ड इज क्रॉप रोटेशन. ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं मिक्स क्रॉपिंग के बारे में. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड. सपोज यू हैव गिवन अ लैंड, आपके पास एक लैंड है, उस पर आप जो है दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, ठीक है. तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं. मिक्स मतलब कि मिक्स, ठीक है, मिक्सचर. तो मिक्सचर ऑफ मैनी क्रॉप्स जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो सेम पीस ऑफ लैंड पे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है. इट इज द ओल्ड प्रैक्टिस इन आर कंट्री. ये जो है क्या क्रॉप, ये जो मेथड है क्या कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग का, वो ओल्ड बहुत सारे सालों से चला जा रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है, बहुत सालों से यूज हो रहा है हमारी कंट्री में. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द रिस्क एंड इनसिक्योर द क्रॉप फेलियर टू द अबनॉर्मल कंडीशन. ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, टू मिनिमाइज द रिस्क कम करना है और क्रॉप फेलियर ड्यू टू अबनॉर्मल कंडीशन. कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन आ सकती है. सपोज लगा लो कि आपने जो है एक लैंड पे ही मिक्स क्रॉपिंग नहीं करी, आपने एक ही काइंड की क्रॉप लगा दी. सपोज आपने वीट लगा दी, तो बाय चांस अगर एक एरिया में वीट खराब होने लगा तो वो पूरी जगह फैल जाएगा, ठीक है, पूरी जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी. बट मिक्स क्रॉपिंग से क्या होगा कि आप जो है जैसे आपने एक दो क्रॉप साथ लगाई है, तो अगर एक क्रॉप खराब होगी तो आपकी एक क्रॉप तो आपके पास बची हुई है, ठीक है, उससे जो बेनिफिट आएगा आप कर सकते हो. हालांकि वो थोड़ा बेनिफिट कम होगा, बट कुछ नहीं से तो कुछ होना ही बेटर होता है, ठीक है. तो मिक्स क्रॉपिंग का यही फायदा होता है. अ फ्यू कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप, कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादातर क्रॉप के बोए जाते हैं इंडिया में. तो सबसे पहले है मेज और उड़द बीन्स. ये मेज की क्रॉप्स और उड़द बीन की क्रॉप सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं साथ में मिक्स क्रॉपिंग की फॉर्म में. उसके बाद है कॉटन प्लस मूंग, कॉटन का और मूंग का ये जो है सबसे करते हैं. उसके बाद वीट और मस्टर्ड. वीट और मस्टर्ड भी जो है आपने देखा होगा कई बार, मैंने भी देखा है वीट और मस्टर्ड की मिक्स क्रॉपिंग की फॉर्म में यूज होता है, सॉरी ग्रो होता है. तो वीट और मस्टर्ड को साथ में करते हैं. ये तीन मेजर है, मेज प्लस उड़द बीन्स, कॉटन प्लस मूंग एंड वीट प्लस मस्टर्ड. एक बार पढ़िए इसको.
देखिए अब क्या लिखा है नीचे, द क्रॉप सिलेक्टेड आर इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप साइमल्टेनियस द ग्रोथ ऑफ अनदर, कि क्रॉप ऐसे सिलेक्ट की जाती है कि जो ना ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल में हो, साइमल्टेनियसली दोनों जो दोनों क्रॉप्स हैं, दोनों प्लांट्स हैं, वो उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो, ठीक है। केयर इज टेकन टू सिलेक्ट क्रॉप्स एंड डू नॉट कम्पीट विद ईच अदर फॉर लाइफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ये जो है समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग की। एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो रिस्क को ये बहुत कम कर देता है कि क्रॉप जो है बहुत ज्यादा वो होगी, ठीक है। अनसेटल्ड मौसम रिड्यूस ड्यू टू द कंप्लीटरी इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप्स इज इंक्रीज, चांसेस ऑफ बेस्ट इन्फेस्टेशन आर ग्रेटली रिड्यूस, कि हमें अच्छी जो है फसल मिल सकती है, अच्छी क्रॉप यील्ड जो है हमें मिल सकती है। तो आप एक बार इसको पढ़िए। हाँ जी, उसके बाद हमारा सेकेंड आता है दैट इज इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है चलिए। हाँ जी चलिए, तो इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इनडेफिनेट रो पैटर्न, कि आप एक से ज्यादा क्रॉप तो ग्रो कर रहे हो फील्ड को एक रो पैटर्न में, ठीक है, एक रो पैटर्न में ग्रो कर रहे हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया, कि मतलब एक पर यूनिट एरिया में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो। सपोज आपने एक लैंड पे तीन क्रॉप डिफरेंट ग्रो कर दी, ठीक है, पर एक रो फॉर्म में करिए तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप जो है ग्रो कर पाओगे जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, ठीक है। इट इज इम्प्रूव वर्जन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, ये क्या है जो मिक्स क्रॉपिंग उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, मतलब मिक्स क्रॉपिंग में क्या कर रहे थे हम, सेम पीस ऑफ लैंड पे एक 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 दो से ज्यादा जो है क्रॉप को ग्रो कर रहे थे, बट इंटरक्रॉपिंग में क्या है, हम दो से ज्यादा क्रॉप ग्रो तो कर रहे हैं बट रो पैटर्न की फॉर्म में, रो की फॉर्म में कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है क्या कहते हैं मिक्स्ड वर्जन है इसका, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है इसका मिक्स क्रॉपिंग का। हेयर द क्रॉप पैटर्न इज डेफिनेट, कि डेफिनेट होता है इसका क्रॉप पैटर्न, एंड दैट इज वन रो ऑफ मेन क्रॉप, जो वन रो होती है वो मेन क्रॉप होती है, वन टू और थ्री रोज ऑफ इंटरक्रॉप कैन बी ग्रोन, कि मतलब एक रो एक मेन क्रॉप की, उसके बाद दो जो है आप उसमें कोई भी ग्रो उसके साथ क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है, बट ये क्या है इससे भी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और बेनिफिशियल होती है ये इन्वायरमेंट के लिए भी और अपनी क्रॉप्स के लिए भी, कि क्रॉप्स के खराब होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। तो इट मेक्स बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, की ये जो बेटर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर सकते हैं। सॉइल इरोजन इज इफेक्टिवली अरेस्टेड, कि सॉइल इरोजन इससे कम होगा, ठीक है, रोप की फॉर्म में करेंगे तो अगर बाई चांस सॉइल इरोजन होता भी है तो मिट्टी जो है वहीं रहेगी, बहुत ज्यादा आगे बह के नहीं जाएगी। सिंस द सीड मेजोरिटी पीरियड ऑफ दिस क्रॉप्स वेरी, द डिफरेंट क्रॉप्स कैन बी हार्वेस्टेड सेपरेटली, जो सीड की मेजोरिटी है पीरियड की वो अलग अलग होगी, तो जो क्रॉप जल्दी हो गया आप उसको जल्दी हार्वेस्ट कर सकते हो, जो क्रॉप नहीं हुई है वो वहीं पे रह सकती है, वो ग्रो करेगी, आप दूसरे टाइम पे और क्रॉप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ईच क्रॉप कैन बी मार्केट एंड कंज्यूम सेपरेटली, अब जो प्रोडक्ट होगा दोनों क्रॉप का जब आप उसको मार्केट में सेल करोगे या किसी को भी वो करोगे तो उसका आपको जो वो मिलेगा रिजल्ट मिलेगा वो सेपरेटली मिलेगा, ठीक है, कि इस क्रॉप का रेट अलग है उसका अलग है, ठीक है, तो आपको इससे भी जो है बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो आई होप एडवांटेजेस क्लियर होंगे। उसके बाद है हमारा लास्ट रोटेशन दैट इज That is crop rotation. तो crop rotation क्या? The practice of growing different crops on a same piece of land, pre-plant succession depend upon the duration of crop rotation. It can be of 1 year rotation. केवल हम rotation में जो है
क्रॉप्स को ग्रो करें, ठीक है, एक एक लैंड पे, कि मतलब एक साल इतनी क्रॉप, दूसरे साल दूसरी, फिर तीसरे साल को है रोटेट, मतलब रोटेशन करें कि जो पहले साल की थी वो दूसरे साल की थी, फिर तीसरे साल जो पहली क्रॉप ग्रो करें, ठीक है, तो ऐसे क्या है, रोटेशन चलती रहे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली लिग्यूम्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप रोटेशन प्रोग्राम, शक्ल शुगर केन, पोटैटो, मेज, बीट, राइस मे बी ग्रोन बिफोर लो इनपुट रिक्वायर क्रॉप्स, ठीक है, राइस जो है हम लो इनपुट रिक्वायर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। एलिवेबल फॉलोइंग पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड बाय सिलेक्टिंग क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम, कि क्रॉप रोटेशन करने के लिए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स जो है याद करने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर थ्रू रेन और इरीगेशन, मतलब मॉइस्चर रहना चाहिए या तो थ्रू रेन हो या फिर इरीगेशन हो, ठीक है, मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए। सेकेंड रखनी चाहिए हमें कि स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, के मतलब सॉइल में जो है स्टेटस स्टेटस सॉरी स्टेटस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, के मतलब सॉइल में भरपूर मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, क्यों, क्योंकि हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम सॉइल को जो थोड़ा रेस्ट देंगे, रोटेशन की फॉर्म में करें, क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में बहुत ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप एंड शॉर्ट और लॉन्ग, की मतलब ड्यूरेशन जो होनी चाहिए क्रॉप की वो शॉर्ट और लॉन्ग होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट होनी चाहिए बेसिकली, तो ठीक है। अब यहाँ पे इसके थ्री एडवांटेजेस है, तो इट हेल्प इन कंट्रोलिंग पेस्ट एंड वीड्स, पेस्ट को जो कीड़े लग जाते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है और वीड्स को कंट्रोल करके रखता है, साथ ही साथ क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस द नीड ऑफ फर्टिलाइजर्स, की क्रॉप रोटेशन जब हम करते हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स की नीड जो है वो कम होती है, ठीक है। सेवरल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन सक्सेशन विद ओनली अ सॉइल प्रिपरेशन, कि मतलब हम बहुत सारी सेवरल क्रॉप जो है वो ग्रो कर सकते हैं एक सॉइल प्रिपरेशन, एक एक क्रॉप के लिए सॉइल प्रिपेयर कर दी, तो उसके बाद जो हम उस क्रॉप ग्रो करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप ग्रो करेंगे उस पर हमें सॉइल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सॉइल ऑलरेडी प्रिपेयर होगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए नोट्स के, कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ग्रीन मैन्योर के बारे में पढ़ा, कंपोस्ट के बारे में पढ़ा, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इरिगेशन के बारे में, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट बाय मीन्स ऑफ कैनाल और ट्यूबवेल, ऐसे प्रेस नोन एज इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद हमने तीन क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े, क्रॉपिंग पैटर्न्स, फर्स्ट इज मिक्स क्रॉपिंग, सेकंड इज इंटरक्रॉपिंग एंड थर्ड इज क्रॉप रोटेशन, इन तीनों के हमने एडवांटेजेस पढ़े, एक बार देख लीजिए आप, रीड करिए। हाँ जी ठीक है, तो आई होप कर लिए होंगे सबने, ये आपका क्रॉप रोटेशन, ये इसके एडवांटेजेस। तो मेरे ख्याल से आज के लिए लेक्चर के लिए इतना बहुत है, सफिशियंट है, आप इसको पढ़ के आइए जाएगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे जरूर। एंड अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू, तब तक के लिए बढ़ते रहिए।